लेकिन बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका है, यह बहुत दुखद घटना है। ये एक तरह से अपराध है, इसके लिए जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। कल की घटना क्या हुई आप सभी लोग जानते हैं, पर देखे बीजेपी के लोग हैं वो सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, पर कांग्रेस के MLC हैं प्रेमचंद मिश्रा किस तरीके से कह रहे हैं कि कल जो भी हुआ वो दुखद है, पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोगों ने किया वो सही नहीं है। वो लोग हंगामा चाहते थे, क्या कुछ करें। कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा, पहले आप वो सुने। ऊपर इसके जिम्मेदार लोग सरकार को ठहरा रहे हैं। सरकार की क्या गलती, अगर आप कानून तोड़ेंगे, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएंगे तो प्रशासन तो आपको रोकेगा ही। जब विधानमंडल का सत्र चल रहा है, प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो बीजेपी वालों ने प्रदर्शन के माध्यम से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। ये पहला मौका है बिहार में जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंके गए, कई लोगों के आँखों में मिर्ची पाउडर फेंका गया। ये क्या है, ये भी तो अपराध है। पर भाजपा के लोग हैं, कह रहे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मार्च कर रहे थे। फिर ये अप्रिय घटना क्यों हुई, मार्च कर किसने रोका। आप प्रतिबंधित क्षेत्र में आए ही क्यों, उनको बाहर करना चाहिए था ना, प्रदर्शन उधर गए नहीं। वो जानबूझकर हंगामा चाहते थे, उसका दुर्भाग्य से उनके कार्यकर्ता की मौत की खबर आ गई। बाद में पता चला कि वो तो डकवाला के आसपास थे भी नहीं, कहीं और थे वो। लेकिन जो भी हो, हमारी संवेदना है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका है, यह बहुत दुखद घटना है। ये एक तरह से अपराध है, इसके लिए जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सदन में आवाज़ रखने नहीं देते हैं, जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो विपक्ष का कैमरा बंद कर दिया जाता है, सड़क पर उतरते हैं तो लाठियाँ चटकाए जाते हैं। ये हास्यास्पद बातें हैं। वो सदन चलने कहाँ दे रहे, 5 दिन का सदन था, सब दिन उन्होंने बाधित किया, आज नहीं है। देखिए कितना बढ़िया सदन चला। सदन को बाधित करना बीजेपी के आदतों में शुमार है, उन्हें अपने आदत और कार्यप्रणाली को बदलने की आवश्यकता। पर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को शब्द सुनते कहाँ हैं, हम लोग बोलने, वो बोलते कहाँ हैं, वो हंगामा करते और नाराबाजी करने आते हैं। उन्होंने कभी भी एक प्रश्न पूछा क्या, आप विपक्ष में हैं, सरकार से प्रश्न पूछिए, जनता के सवालों को उठाइए ना। आप यहाँ नाराबाजी करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए, जेल में जाके आपने हंगामा किया है, एक भी दिन सदन चलने नहीं दिया, वो क्या बात करें। और उनका आचरण लोकतंत्र विरोधी आचरण है। वो तो कह रहे हैं कि हम तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके लिए सड़क पर उतरे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। सड़क पर उतरे थे तो कानून को क्यों तोड़ रहे हैं। बिहार के लोगों ने कहा कि पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डालो, ये अपराध किया है उन्लोगों ने। तो अभी आप कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा को सुन रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी पर बोल रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कल जो भी हुआ वो दुखद है। उनकी एक जो कार्यकर्ता है उनकी मौत भी हो गई, पर वो वहाँ पर गए ही नहीं थे। बीजेपी के लोग हैं वो हंगामा चाहते थे, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस MLC, वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।